रूस यूक्रेन तनाव के बीच दुनिया में कैसे हथियारों की होड़ बढ़ी है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। रूस और अमेरिका के बीच हाइपरसोनिक रेस शुरू हो गई है। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया तो जवाब में अमेरिका ने हॉक यानी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का टेस्ट कर लिया। रूस ने धमकाया, अमेरिका ने दम दिखाया। रूस और अमेरिका में बारूदी रेस है, महाविनाशक हथियारों से आजमाइश की होड़ है। अपने जंगी जखीरे में एक से बढ़कर एक अचूक अस्त्र को शामिल करने की कोशिश है। रूस और अमेरिका में जारी टकराव की एक और बानगी तब देखने को मिली जब अमेरिका ने हाहाकार मचाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। रूस और अमेरिका में हाइपरसोनिक रेस। आवाज की गति से भी तेज फर्राटा भरने वाले मिसाइल ने समंदर में 555 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी। अपने विनाशक ताकत से मॉस्को से बीजिंग तक दहशत फैला दी। पुतिन और जिनपिंग को परेशान करने वाली अमेरिका के इस हाइपरसोनिक वॉरियर का नाम है हॉक यानी हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के मुताबिक इस हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसके दो सफल परीक्षण हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। हवा में इस मिसाइल को किसी लड़ाकू विमान या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि समंदर में किसी युद्धपोत के जरिए भी दुश्मन के जमीनी और समुद्री टारगेट पर दागा जा सकता है। परीक्षण के दौरान ये मिसाइल 65,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच रूस और अमेरिका की तनातनी जग जाहिर है। रूस की हाइपरसोनिक ताकत अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। एक तरफ रूस वॉशिंगटन तक मार करने वाली मिसाइल का धौंस दिखा रहा है, वहीं अमेरिका मॉस्को तक रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।